आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही खास है और जिसे बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। चिकन बिरयानी इस रेसिपी का नाम है और ये बनती है तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे हम बनाएंगे चावल, तले हुए प्याज, बिरयानी मसाला और चिकन की ग्रेवी के लेयर्स के साथ। तो आइए देखते हैं और बनाते हैं ये खास रेसिपी चिकन बिरयानी। अगर आपने मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए जो सामग्री वो कुछ इस प्रकार से है। यह है बिरयानी मसाला, फिर हमें चाहिए चिकन और उसके मैरिनेशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, साथ में लेंगे प्याज, फिर लेंगे चावल, कुछ खड़े मसाले और कुछ चीज़ें जो हम उसमें लेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब बनाते हैं बिरयानी का मसाला, जिसे लेना हमें चाहिए शाहजीरा, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी। ये पांच चीज़ें हमने समान क्वांटिटी में ली हैं। तो ये है बिरयानी मसाले के स्पाइसेस। इसे हम अब मिक्सी में पीस लेंगे। कुछ खुरदरा पीसना है, इसे एकदम फाइन पाउडर नहीं बनेगा। और इसमें से 3 बड़े चम्मच मसाला हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम लेंगे प्याज 6, इसमें से 1 प्याज हम बारीक काट लेंगे चिकन के ग्रेवी के लिए और इसे साइड में रख देंगे। फिर जो बचे हुए 5 प्याज हैं उसे हम स्लाइस करेंगे, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं। और फिर हम लेंगे 1 चुटकी नमक जो इसमें हम डालकर इसे अच्छी तरह से मसल देंगे। ये करने से जो प्याज है थोड़ा सा पानी छोड़ देगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसे हमें तलने में आसानी होगी। अब एक हैवी बॉटम पैन में 2/3 कप तेल को गरम करेंगे और फिर इसमें डालेंगे प्याज को। ये तेल की मात्रा थोड़ी अधिक लगती है, पर इसी तेल से हम अपने चावल और ग्रेवी को भी बनाएंगे। तो हम अनियन को अब तलने देते हैं, इसे 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो साथ में हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। अब हम लेंगे चिकन 1 पूरा और ये करीब करीब 800 ग्राम होगा, इसको मैरिनेट करेंगे। डालेंगे इसमें नमक, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट और दही। अब इन सब को चिकन में अच्छी तरह से मिलाना है और इसे हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना है, जब तक हमारी बाकी की तैयारी हो जाती है तब तक ये मैरिनेट होता रहेगा। इसे साइड में रख देंगे। अब बीच बीच में जो प्याज हमारे गैस पे चढ़े हुए हैं उसे चलाते रहना है। अब हम लेंगे चावल, जितना हमने चिकन लिया है उसका आधा हमें चावल लेना है, तो हमने लिए हैं 350 ग्राम चावल। इसमें अब हम पानी मिलाएंगे और इसे धो लेंगे और फिर इसे पानी निकाल के थोड़ी देर रख देंगे। ये प्याज अभी हमारा सुनहरा होता जा रहा है और ये जैसे ही पकेगा ये करारा होता जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे अब हम निकाल लेंगे और तेल को अलग कर लेंगे। इसे जब हम लेयरिंग करेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। अब जो बचा हुआ तेल है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हम इस्तेमाल करेंगे राइस के लिए, तो हमें चाहिए खड़े गरम मसाले, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। और इसमें अब हम इन सब मसालों को तेल में डालकर फिर इस पर डालेंगे चावल जो हमने धोए थे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये इसका दाना दाना अलग ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1/2 लीटर पानी। ऐसे तो चावल पकने में इससे दुगना पानी लगता है जितने चावल होते हैं, लेकिन इसमें हमने पानी थोड़ा कम मिलाया है। उबलने पे डालेंगे थोड़ा सा नमक,
कम इसके लिए डाला है क्योंकि चावल हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, ये 80% पक जाएगा और गैस को बंद करेंगे जब ये चावल इसमें से पानी सूख जाएगा। फिर इसे एक थाल पे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब बनाएंगे चिकन की ग्रेवी। हमने सेम पैन में इसको बनाया है और फिर इसमें डालेंगे प्याज, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर जो चिकन मैरिनेट किया है उसे भी डाल देंगे। इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं मिलाएंगे, सिर्फ आधा कप पानी, और इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए जिसमें ये तैयार हो जाएगा। अब काजू लेंगे, इसे 2 बड़े चम्मच तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरे ना हो जाए। लेंगे आलू 2 मीडियम साइज़ के और इसको थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस में हम काट लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें अंडे भी मिला सकते हैं, तो 3 से 4 उबले हुए अंडे इसके छिलकों को निकाल के इसको आधे आधे हिस्सों में बांटना है। अब पैन में हम पहले लगाएंगे आलू की स्लाइसेस जो हमने कट करी थी। ये हम इसके लिए करते हैं ताकि जो बिरयानी है वो नीचे से ना चिपक जाए। इसमें छिड़केंगे थोड़ा सा मसाला, फिर थोड़े तले हुए प्याज, फिर चिकन और उसकी ग्रेवी। ग्रेवी हम ऊपर से मिलाएंगे तो इस लेयर में सिर्फ चिकन के पीसेस डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे उबले हुए चावल। तो इसी प्रकार से हमें लेयर करना है, चावल के ऊपर फिर तले हुए प्याज, हल्का सा मसाला, चिकन और उसकी ग्रेवी। और फिर इस पे चावल डालने हैं। अब इसके बाद के लेयर में हम डालेंगे अंडों का लेयर, अगर आप अंडे ऐड कर रहे हैं तो, थोड़ी सी ग्रेवी और इन अंडों के ऊपर हल्का सा मसाला डाल देंगे। अब सबसे ऊपर हम डालेंगे चावल और ये अब बाफ देने के लिए तैयार है। इसमें डालेंगे थोड़े तले हुए प्याज, जो हमने कैशूज फ्राई किए थे वो, काजू और हल्का सा मसाला। तो हमने इसमें टोटल 3 बड़े चम्मच मसाला डाला हुआ है। जो घी हमने काजू तलने के लिए इस्तेमाल किया था वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे नीचे तवा रख के इसे हम गरम करेंगे, इसे दम देंगे जिसे स्टीम कहते हैं। अब इसे ढक देंगे और अगर इसमें कोई ओपनिंग है तो उसे आटे से सील कर देंगे ताकि इससे भाप ना निकले। बस 30 मिनट स्टीम करने के बाद ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना इसमें से स्टीम आ रहा है। अब इसे सर्व करेंगे। आप इसे तभी स्टीम करें जब आप खाने वाले हों इसे आधे घंटे पहले। आप सेट करके ज़रूर रख सकते हैं और किसी रायते के साथ जो आपको पसंद है ये सर्व करें। तो ऐसे ही बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़े रहें और अगले हफ्ते नई रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे।